नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। हमारी जो जनवरी 2022 से लेके जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 1200 क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है और पार्ट फर्स्ट में 1 से लेके 80 क्वेश्चनों तक ये हमने कवर किए हैं। आज ये इसका पार्ट सेकेंड है और इसमें हम 80 से आगे के जो क्वेश्चन हैं इनको हम कवर करेंगे। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 81वां क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। 82वां क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पर खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलमर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 84वां क्वेश्चन, किस राज्य के शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर कर दिया गया है? मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 85वां क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थ जेता किस का निधन हो गया? ग्रीस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 86वां क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन सा देश सीरीज पर रहा? तो ये रहा नॉर्वे। 87वां क्वेश्चन, हाल ही में UNEP ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र सही आंसर है। 88वां क्वेश्चन, 9 से 11 फरवरी 2022 तक किसकी मेजबानी में वन ओशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? फ्रांस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 89वां क्वेश्चन, 9 फरवरी 2022 को जारी किए गए 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन 90वां क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारत ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 91वां क्वेश्चन, हाल ही में 35वां अफ्रीका संघ शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अदीस अबाबा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 92वां क्वेश्चन यानी 92, PHS दामिबा को किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया? बर्किना फासो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 93वां क्वेश्चन, वर्ष 2022 में 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन बना? तो ये बना बांग्लादेश। 94वां क्वेश्चन, किस देश ने 900 मील की रेंज वाली एक मिसाइल खैबर बैस्टर का अनावरण किया? ईरान सही आंसर है। 95वां क्वेश्चन, किस राज्य के बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है? मध्य प्रदेश ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96वां क्वेश्चन, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, ये नाम आप याद रखेगा, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं। 97वां क्वेश्चन, किस राज्य में मरु उत्सव मनाया गया? राजस्थान सही आंसर है। 98वां क्वेश्चन, मनोज तिवारी होंगे किस राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर? बिहार सही आंसर है। 99वां क्वेश्चन, मई 2022 में आदि महोत्सव का 5वां संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश सही आंसर है। 100वां क्वेश्चन, मई 2022 में कहां से आसानी नामक चक्रवाती तूफान उठा? बंगाल की खाड़ी सही आंसर है। 101वां क्वेश्चन, नवीन श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? नेपाल सही आंसर है। कौन सा राज्य संचयी बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों के 10 गीगावाट तक पहुंचने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ब्रेकफास्ट योजना शुरू करने की घोषणा की है? तमिलनाडु सही आंसर है। 104वां क्वेश्चन, यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया सही आंसर है। 105वां क्वेश्चन, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी से आसानी नामक चक्रवाती तूफान उठा, यह नाम आसानी किस देश ने दिया है? श्रीलंका सही आंसर है। 106वां क्वेश्चन, रोड्रिगो चाव्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कोस्टा रिका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 107वां क्वेश्चन, मई 2022 में उत्कर्ष समारोह किस राज्य में मनाया गया? गुजरात सही आंसर है। 108वां क्वेश्चन, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? फिलीपींस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 109वां क्वेश्चन, मई 2022 में किसको पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? दानिश सिद्दीकी ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110वां क्वेश्चन, मई 2022 में किसने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेस्टापन। 111वां क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? दिल्ली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रही लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? तो ये बना हिमाचल प्रदेश।
किस राज्य की सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। 115वां क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को। 116वां क्वेश्चन, मई 2022 में किसको भारत के चुनाव आयुक्त ECI के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 117वां क्वेश्चन, मई 2022 में किसको बंगाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी सही आंसर है। 118वां क्वेश्चन, 2022 में खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? नई दिल्ली सही आंसर है। 119वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? हरियाणा सही आंसर है। 120वां क्वेश्चन, किस राज्य का माधर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया है? महाराष्ट्र सही आंसर है। 121वां क्वेश्चन, मई 2022 में किसको भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? संजीव बजाज सही आंसर है। 122वां क्वेश्चन, किसको टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 123वां क्वेश्चन, मई 2022 में रानिल विक्रम सिंघे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? श्रीलंका सही आंसर है। 124वां क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? महाराष्ट्र सही आंसर है। 125वां क्वेश्चन, 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 14 मई को। 126वां क्वेश्चन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़। 127वां क्वेश्चन, मई 2022 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद क्रवचुक का निधन हो गया? यूक्रेन सही आंसर है। 128वां क्वेश्चन, 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 129वां क्वेश्चन, मनिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। 130वां क्वेश्चन, मई 2022 में किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? केरल सही आंसर है। 131वां क्वेश्चन, मई 2022 में यूरी एवरबक का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साहित्यकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 132वां क्वेश्चन, एकनाथ शिंदे किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? महाराष्ट्र के। 133वां क्वेश्चन, 2022 में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को। 134वां क्वेश्चन, खबरों में रही सैला सुरंग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। 135वां क्वेश्चन, किसको गेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार गुप्ता सही आंसर है। 136वां क्वेश्चन, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो फिलीपींस, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 137वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य पक्षियों की अपनी रेड लिस्ट बनाएगा? केरल सही आंसर है। 138वां क्वेश्चन, किस राज्य में साओ जोआओ त्यौहार मनाया गया? गोवा सही आंसर है। 139वां क्वेश्चन, किस देश ने जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ईरान सही आंसर है। 140वां क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार राज्य के प्रत्येक परिवार को कार्ड जारी करने जा रही है? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। 141वां क्वेश्चन, भगवान जगन्नाथ जी की 145वीं रथ यात्रा किस शहर में से हुई? तो ये हुई पुरी में। किस राज्य ने काशी यात्रा परियोजना शुरू की है? कर्नाटक सही आंसर है। 143वां क्वेश्चन, किस राज्य के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजीनगर रख दिया गया है? महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 144वां क्वेश्चन, 41वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? रामदर्श मिश्रा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 145वां क्वेश्चन, किस राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया? नागालैंड सही आंसर है। 146वां क्वेश्चन, वास्तु एवं सेवा कर GST परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? चंडीगढ़ में। 147वां क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल ने। 148वां क्वेश्चन, यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं? इसराइल सही आंसर है। 149वां क्वेश्चन, किस राज्य के उस्मानाबाद जिले का नाम बदलकर धाराशिव रख दिया गया है? महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। 151वां क्वेश्चन, राहुल नॉर्वेकर किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? महाराष्ट्र सही आंसर है। 152वां क्वेश्चन, 2022 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्पेन सही आंसर है। 153वां क्वेश्चन, 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? तो ये गुजरात में होंगे। 154वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। 155वां क्वेश्चन, कौन टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम के 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? नोवाक जोकोविक सही आंसर है। 156वां क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस शहर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? जोधपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 157वां क्वेश्चन, किस राज्य के सीकरी जिले के रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? राजस्थान सही आंसर है। 158वां क्वेश्चन, 2022 में किसने ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती? कार्लोस सेंच, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
159th क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? शिन्नी शेट्टी ने। 160वां क्वेश्चन, ब्रिटेन की संसद ने किसको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो तनुजा नेश्री, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट सेकेंड, जिसमें हमने 81st से लेके और 160 क्वेश्चनों तक कवर किए हैं। इसी प्रकार से डेली आगे के पार्ट हमारे कवर होते जाएंगे और फिर हमारे 1200 क्वेश्चन की जो ये करंट अफेयर की सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये 1200 क्वेश्चन काफ़ी हैं, आपको अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।